हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। टुडे वी डिस्कस एनिमल ब्रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। एक लाइन की डिफिनेशन है, एनिमल ब्रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट एनिमल टू इनहांस क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। एनिमल ब्रीडिंग वैसे तो दो प्रकार की होती है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग फिर तीन प्रकार की होती है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हम लोग सिंपली इसको ऐसे पढ़ेंगे कि एनिमल ब्रीडिंग चार प्रकार की होगी, इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। तो इस हिसाब से एनिमल ब्रीडिंग फोर टाइप की हो गई, इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। हमें इन चारों में क्या अंतर है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो क्या अंतर, उसको ध्यान से सुनेंगे। कब हम इन ब्रीडिंग कहते हैं, कब आउट क्रॉसिंग कहते हैं, कब क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं और कब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जब कभी जिनके बीच क्रॉस कराए जा रहे हैं वो मेल और फीमेल, जब कभी मेल और फीमेल दोनों एक ही ब्रीड के हों, पहली शर्त एक ही ब्रीड के हों और इन दोनों के एंसेस्टर भी सेम हों, क्लोजली रिलेटेड एंसेस्टर हों और एक ही ब्रीड के बीच कराया जाए तो उसको इन ब्रीडिंग कहते हैं, आउट क्रॉसिंग देते हैं। यहां पर जिनके बीच क्रॉस कराया जा रहा है मेल और फीमेल वो भी एक ही ब्रीड के होते हैं, लेकिन फिर अंतर है, एक ब्रीड के होते हैं लेकिन इन दोनों के एंसेस्टर अलग अलग होते हैं। ये दूसरी चेन का मेल होता है, दूसरी चेन का फीमेल होता है। यहाँ क्या है, मेल और फीमेल एक ब्रीड के हैं और रिलेटेड एंसेस्टर हैं, मेल और फीमेल एक ही ब्रीड के हैं लेकिन रिलेटेड एंसेस्टर नहीं है। कम से कम पीछे चार से छह जनरेशन में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में बेसिक अंतर है, इन ब्रीडिंग में सेम ब्रीड, आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड, लेकिन यहाँ रिलेटेड एंसेस्टर हैं, यहाँ रिलेटेड एंसेस्टर नहीं है। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, यहाँ जिनके बीच क्रॉस कराने जा रहे हैं ये ब्रीड ही अलग होनी चाहिए, मेल अलग ब्रीड का, फीमेल अलग ब्रीड का, डिफरेंट ब्रीड, ये ब्रीड वन का होना चाहिए और ये ब्रीड टू, अलग अलग होने चाहिए। जब क्रॉस कराया जाए दोनों मेल फीमेल डिफरेंट ब्रीड के हों तो क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। इधर देखते हैं, जिन मेल और फीमेल के बीच क्रॉस कराने जा रहे हैं वो दोनों स्पीसीज अलग हों, ये स्पीसीज एस वन हो और ये स्पीसीज एस टू हो, तो जब स्पीसीज अलग होंगे तो कहेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जब ब्रीड अलग होंगे तो कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग, जब ब्रीड सेम हो लेकिन मेल और फीमेल के पीछे एंसेस्टर सेम ना हो चार से छह जनरेशन तक तो कहेंगे आउट क्रॉसिंग, ब्रीड भी सेम हो और एंसेस्टर भी सेम हो, जैसे ये मेल और फीमेल एक ही मदर के हों, अगर इतना क्लोजली रिलेटेड हो तभी उसको कहेंगे इन ब्रीडिंग। एक एक लाइन में हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सेम ब्रीड रिलेटेड एंसेस्टर इन ब्रीडिंग, सेम ब्रीड लेकिन डिफरेंट एंसेस्टर आउट क्रॉसिंग, ब्रीड ही बदल दी जाए तो क्रॉस ब्रीडिंग और स्पीसीज ही बदल दी जाए तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनिमल ब्रीडिंग में जो पूछता है वो इन ब्रीडिंग पर होता है। इन ब्रीडिंग क्या है, एक ही ब्रीड के सुपीरियर मेल और फीमेल के बीच क्रॉस कराया जाए, इनके एंसेस्टर भी सेम होने चाहिए, इनकी जो प्रोजनी मिलेगी उसमें से भी सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल का सिलेक्शन किया जाए, फिर से उनका क्रॉस कराया जाए,
फिर प्रोजनी मिलेगी, फिर से सुपीरियर मेल फीमेल छांटा जाए, फिर से क्रॉस कराया जाए। ये प्रोसेस 4 से 6 जनरेशन तक करेंगे, इसी को इनब्रीडिंग कहते हैं। इनब्रीडिंग पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि इनब्रीडिंग से क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। तो पहले बेनिफिट डिस्कस कर लेते हैं। इनब्रीडिंग का मतलब है सुपीरियर मेल और फीमेल के बीच क्रॉस कराना। तो जिसका मतलब यह हुआ कि हम सुपीरियर को सेलेक्ट करते हैं, सुपीरियर मेल सेलेक्ट हुआ, सुपीरियर फीमेल सेलेक्ट हुआ, तो प्रोजनी भी सुपीरियर होगी। प्रोजनी सुपीरियर होगी, इसका मतलब है सुपीरियर जीन पॉपुलेशन में क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो पहला बेनिफिट होगा इंक्रीज सुपीरियर जीन इन पॉपुलेशन। लेकिन इंफीरियर को हम सेलेक्ट भी तो नहीं कर रहे हैं। तो जब ना इंफीरियर मेल है ना इंफीरियर फीमेल है, तो प्रोजनी भी इंफीरियर नहीं होगी। और अगर प्रोजनी इंफीरियर नहीं होगी तो इंफीरियर जीन पॉपुलेशन में क्या कर जाएंगे, डिक्रीज। क्योंकि जो इंफीरियर जीन या लेस डिजायरेबल जीन है उनको हम रिजेक्ट करते हैं और सुपीरियर जीन को सेलेक्ट करते हैं। इंफीरियर जीन के रिजेक्ट होने के नाते पॉपुलेशन में इंफीरियर जीन या लेस डिजायरेबल जीन क्या करते जाएंगे, कम होते जाएंगे। धीरे धीरे होगा क्या, पॉपुलेशन में होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब कैपिटल ए वाले लोग बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हम सुपीरियर जीन का सिलेक्शन कर रहे थे और स्मॉल ए वाले की संख्या कम होती जाएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले भी कम होते जाएंगे। केवल किनकी संख्या बढ़ेगी, कैपिटल ए कैपिटल, मतलब पॉपुलेशन में होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। और होमोजाइगस इंडिविजुअल बढ़ते जाएंगे, उनको तो प्योर लाइन कहते हैं। इसका मतलब प्योर लाइन कैटल डेवलप होते जाएंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जैसे अगर मिल्क यील्डिंग काऊ है तो मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव होगी। लेकिन यह केवल 4 से 6 जनरेशन तक ही बढ़ेगी। अगर हम इनब्रीडिंग को 4 से 6 जनरेशन के बाद भी कंटिन्यू करेंगे, इसका मतलब कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करेंगे, तो कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग का नुकसान यह होगा कि प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग के बाद प्रोडक्टिविटी का घट जाना क्या कहा जाता है, आंसर देंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, तो बताएंगे डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी मींस यील्ड एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी सब डिक्रीज हो जाएगी। कब, कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग के नाते। अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे रिमूव करेंगे, तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन रिमूव बाय, आंसर देंगे आउट क्रॉसिंग। ये क्या है, पीछे हम बता चुके हैं कि जिसका प्रोडक्टिविटी घट गई हो उसका क्रॉस अनरिलेटेड इंडिविजुअल से करा दिया जाए। ब्रीड सेम हो लेकिन अनरिलेटेड एनिमल से क्रॉस करा दिया जाए तो उसको कहेंगे आउट क्रॉसिंग। एक आउट क्रॉसिंग करा दीजिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या हो जाएगा, रिमूव, फिर से प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रीगेन कर जाएगी। अब आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग क्या है? बता चुके हैं कि एक ही ब्रीड के इंडिविजुअल हो, मेल भी फीमेल भी, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन ना हो कम से कम पीछे 4 से 6 जनरेशन तक। पहला सवाल, इनके क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजनी होती है उसको कहते हैं आउट क्रॉस। आउट क्रॉसिंग कराते क्यों हैं, तो पीछे बता चुके हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन या लो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, आंसर देंगे आउट क्रॉसिंग। क्रॉस ब्रीडिंग वो प्रोसेस है जिसमें जिनके बीच क्रॉस कराने जा रहे हैं वो अलग ही ब्रीड के हो, मेल अलग ब्रीड का हो और फीमेल अलग ब्रीड का हो, ब्रीड ही अलग हो, इनका क्रॉस कराएंगे और जो प्रोजनी बनेगी उसका नाम हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड प्रोजनी में इस ब्रीड के भी करैक्टर होंगे और हाइब्रिड प्रोजनी में इस ब्रीड के भी करैक्टर होंगे। तो जब कभी दो अलग अलग ब्रीड के करैक्टर एक ही एनिमल में चाहते हो तो कराएंगे क्रॉस ब्रीडिंग,
जिससे जो प्रोजनी बनेगी वो हाइब्रिड होगी और हाइब्रिड प्रोजनी न्यू ब्रीड होगी। कहने का मतलब है कि जब कभी हमें दो डिफरेंट ब्रीड का क्रॉस करा के न्यू ब्रीड बनाना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। न्यू ब्रीड में कुछ करेक्टर इसके भी होंगे और कुछ करेक्टर इसके भी होंगे। इसको एग्जाम्पल समझेंगे, एक काऊ जिसका नाम सुनंदिनी है, सुनंदिनी काऊ एक न्यू ब्रीड ऑफ काऊ है जो कि क्रॉस ब्रीडिंग से बनाई गई है। किसके बीच, लोकल लोकल देसी काऊ का क्रॉस ब्राउन स्विस ब्रीड से कराया गया है। लोकल देसी और ब्राउन स्विस का जब क्रॉस कराया गया है तो न्यू ब्रीड ऑफ काऊ डेवलप हुई जिसका नाम सुनंदिनी है। लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जब कभी जिनके बीच क्रॉस कराने जा रहे हैं वो दोनों अलग ही स्पीसीज के हों, मेल अलग स्पीसीज का हो फीमेल अलग स्पीसीज का हो, तो नेचुरली इन दोनों में फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है, क्योंकि स्पीसीज की डिफिनेशन है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है। लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से इसके मेल गैमीट और इसके फीमेल गैमीट के बीच हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच क्रॉस कराने जा रहे हैं, तो जो प्रोजनी बनेगी उस प्रोजनी में इस स्पीसीज के भी करेक्टर होंगे, इस स्पीसीज के भी करेक्टर होंगे, लेकिन कभी गलती से भी इसको न्यू स्पीसीज नहीं कहेंगे। हम लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम नई स्पीसीज बना सके। नई स्पीसीज बनाना तो स्पेसिएशन होता है जो इवोल्यूशन की प्रोसेस के द्वारा होता है, और इंसान के पास इतनी क्षमता नहीं कि वो न्यू स्पीसीज इवॉल्व कर सके, लेकिन एक ऐसी प्रोजनी तो बना ही सकता है जिसमें दोनों स्पीसीज के करेक्टर हों। जैसे जैसे म्यूल जिसको खच्चर कहते हैं, ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बना है। किसके बीच, मेल डंकी का क्रॉस करा दिया गया फीमेल हॉर्स से। मेल डंकी फीमेल हॉर्स का क्रॉस कराया जाएगा तो जो बनेगा उसको म्यूल कहेंगे। उसके अंदर कुछ डंकी के भी करेक्टर होंगे, कुछ हॉर्स के भी करेक्टर होंगे। इसकी जो हाइट होगी वो डंकी से थोड़ा ज्यादा होगी और हॉर्स से थोड़ा कम होगी। और जो हम उम्मीद करते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल से आपको काफी हेल्प मिली होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय बाय बच्चों।